जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, एयरफोर्स में LDC यानी कि कलर्क की वैकेंसी निकाली गई है। दिल्ली हेडक्वार्टर एयरफोर्स में दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। आप इसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी जानकारियाँ इस वीडियो में दूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस बताया गया, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपको कहाँ पर सेंड करना है, ये आपका पोस्टल एड्रेस है। इस एड्रेस को दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। LDC यानी कि लोअर डिवीजन कलर्क की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो है दोस्तों 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अगर आप दोस्तों उम्र की बात करते हैं तो 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप इजरो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC ST OBC से, तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12th पास आउट आपको होना चाहिए, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपकी इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग स्पीड भी देखी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका एक एग्जाम होगा, जिसमें सिंपली आपसे जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जर्नल इंग्लिश और अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल दोस्तों आपका जो 100 मार्क का एग्जाम होगा। और इसी के साथ अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, 20 जून जो इसकी लास्ट डेट रहेगी, 20 जून 2022 को शाम 5 बजे से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही होने चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आगे चलकर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी भेजने होंगे। और साथ ही दोस्तों आपको आने जाने के लिए कोई भी TA या फिर DA नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों COVID-19 से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों ये थी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हम उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन दोस्तों सेकंड पेज जो है वो आपका एडमिट कार्ड रहेगा। हालांकि यह एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट्स को डाउनलोड भी करना है और सेंड भी करना रहेगा। तो दोस्तों रियल जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ 1 पेज का है। लेकिन दोस्तों इसे फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके। उस लिंक की सहायता से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी पेमेंट के डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस लिंक की सहायता से आप इस वैकेंसी के बारे में भी सभी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी सिविलियन इन पोस्ट इन IAF। इसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको सिर्फ कलर लिखना होगा। और दोस्तों यूनिट की बात करते हैं तो देखिए, आपको दिल्ली लिखना होगा, यानी कि दिल्ली यूनिट में। अब इसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगेन से दोबारा से यहाँ पर आपको कलर लिखना होगा। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, आपकी फोटो दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। और दोस्तों लास्ट डेट के दिन आपकी एज कितनी होगी, यानी कि दोस्तों 20 जून को आप कितने ईयर्स के, कितने मंथ्स के और कितने डेज के होंगे, ये जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आपको उम्र कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो इसका हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से अपनी एज कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपके पास 2 अलग अलग एड्रेस हैं तो दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं। आपके हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। कास्ट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जर्नल, OBC, SC ST, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका नाम लिखेंगे। और दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जैसे कि SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका जो कास्ट सपोर्टिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना होगा। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों आपने 10वीं की है, 12वीं की है या फिर डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और इसी के साथ उसके जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करनी होगी। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई और अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और दोस्तों कैटेगरी से, यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी डालनी है सिंपली जर्नल, OBC, SC ST। और दोस्तों यहाँ पर अगेन से आपको कैटेगरी डालनी है, इसमें देखिए EWS, सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकल हैंडीकैप लिखे हुए हैं। अगर आपको इन कैटेगरी में सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सिंपली दोबारा से यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिख सकते हैं।
इस बात कोई आपको टेक्निकल ट्रेनिंग ली है, जैसे कि IIT आपने की है या फिर कोई और अदर टेक्निकल ट्रेनिंग ली है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डोमोसाइल, आपकी डोमोसाइल कहाँ से, किस स्टेट से है, आपकी डोमोसाइल का फोटोकॉपी भी आपको भेजना होगा। अब इसके बाद देखिए सिंपली दोस्तों कॉलम नंबर, प्रोटीन की हम बात करते हैं, तो देखिए आपसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप यस नो कर सकते हैं, और अगर आप यस करते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लिखना होगा। इस बार डेट डिक्लेरेशन दी गई है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपको पहले से अपडेट डालनी होगी। इसके बाद दोस्तों ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, वो नीचे चलकर आपको चार कॉलम दिए हुए हैं, ये चार कॉलम आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करने हैं, ये केवल ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक पेज का बिल्कुल आसान सा एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि इसी के साथ आपका जो एडमिट कार्ड है उस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नाम, इसके बाद आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही डालना है, और यहाँ पर आपको फोटो लगानी होगी। इसके बाद दोस्तों कॉलम नंबर चार जो है, पाँच जो है, इसके आगे चलकर जो भी कॉलम है वो आपको फिल नहीं करने हैं, केवल यहाँ तक कि जो आपको फिल करना रहेगा, यानी कि कॉलम नंबर एक दो तीन आपको फिल करने हैं, यहाँ पर आपको फोटो लगानी है और यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना होगा। और दोस्तों नीचे चलकर जो है ये केवल ऑफिस यूज के लिए है, ये आपको फिल नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एडमिट कार्ड फिल करेंगे और दोस्तों डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे, और दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी नहीं करने हैं। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल ईजी सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि दोस्तों फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।